देखिए बेटा, ये अभी आया था रिसेंटली 2013 में, 8 नंबर का सवाल, बेहतरीन सवाल, मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 12 देखें, मिलता जुलता है, मिलता जुलता है, सेम ही। बस क्वेश्चन नंबर 12 में हर चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि कौन सी प्रोडक्टिव है, कौन सी अनप्रोडक्टिव है। यहाँ उस बारे में क्वेश्चन में नहीं बोला गया। मेरी बुक का क्वेश्चन 12 पढ़िए। मैंने आपसे कई बार कहा है कि पेपर मेरी बुक से आता है, क्योंकि मैंने बहुत पुराने पुराने फेमस क्वेश्चन 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 25 साल में जो अच्छे क्वेश्चन सब अच्छे हुए और वही रिपीट होते हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल 12 है, बस फर्क क्या है, 12 में हर चीज़ बताई गई थी कि आप प्रोडक्टिव है क्या अनप्रोडक्टिव है, यहाँ उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ आप बेटे जो आंसर स्टार्ट करेंगे वो आप एजम्पशन से करेंगे। किसे करेंगे? तो सबसे पहले आप एजम्पशन डाल लें ताकि एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पढ़ते हुए इस बात को समझे कि बच्चे ने पॉइंट का क्वेश्चन को समझ लिया। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में लिखिए, स्टार्टिंग में एजम्पशंस, ये लिखिए, ड्यू टू लैक ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। फर्स्ट क्लियर, पहली अजम्पशन मैं ये ले रहा हूं कि जो वर्किंग आवर है 3000, आपको क्या लग रहा है ये 3000 वर्किंग आवर्स क्या है? इसके अंदर मेंटेनेंस और सेटअप जुड़ा हुआ है या इसके अलावा है? जुड़ा हुआ, मैं ये मान के चलता हूं। क्लियर नहीं है ना? उसने बोला वर्किंग आवर्स 3000, आवर्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस 400। अब 3000 के अंदर 400 जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, ये क्लियर नहीं, राइट? ऊपर से ये भी नहीं बताया मेंटेनेंस और सेटअप प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है। मेंटेनेंस तो आप अनप्रोडक्टिव मानोगे, मेंटेनेंस में तो काम नहीं होता, पर सेटअप में तो आपने देखा है कई बार काम होता है। तो ये क्लियर नहीं है कि सेटअप प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव। तो आप सेटअप को प्रोडक्टिव भी मान सकते हो, अनप्रोडक्टिव, इसकी क्लैरिटी नहीं। बताओ हाँ क्या नहीं? तो फटाफट बताओ, सेटअप और मेंटेनेंस को आप क्या मानोगे? अनप्रोडक्टिव। पहला नोट ये दे दो, मेंटेनेंस एंड सेटअप बोथ हैव बीन टेकन टू बी अनप्रोडक्टिव, राइट? दोनों अनप्रोडक्टिव। अब ये इसने बोला है 8% ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर्स, सेटअप क्या बोला है? 8% ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर्स। अब ये एक्चुअल वर्किंग आवर्स का क्या मतलब है? वर्किंग आवर्स 3000 है, मेंटेनेंस 400 है, एक्चुअल वर्किंग आवर्स हो गए 2600 मेंटेनेंस हटा के, लेकिन वो सेटअप को हटा के भी तो हो सकते हैं। सेटअप को हटा के भी हो सकते हैं। अब ये क्लियर नहीं है कि एक्चुअल वर्किंग आवर्स बिफोर सेटअप या आफ्टर सेटअप, रिपीट, ये क्लियर नहीं ना? एक्चुअल वर्किंग आवर्स हम आफ्टर मेंटेनेंस तो ले ही लेंगे, रिपीट, पर वो आफ्टर लेना सेटअप या बिफोर, ये चीज क्लियर नहीं। देखो आप सवाल देखो ना, मानोगे आप? सही बात बता रहा हूं। अब रियल लाइफ होती तो मैं वहां का मैनेजर बुला लेता फैक्ट्री का, उससे पूछता। अब यहां किस मैनेजर को बुलाऊं? बस ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इस तरह के एजम्पशंस बच्चे को तंग करते हैं, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, एजम्पशंस ही ले लेते हैं ताकि एग्जामिनर हमारी एजम्पशन पढ़ के हमारे फुल मार्क्स दे, क्योंकि ये बात वाकई क्वेश्चन में मिसिंग। तो मैं क्या लू, 8% आफ्टर सेटअप या बिफोर? तरुण जी ने कहा आफ्टर, तो आफ्टर ले। सेटअप टाइम ऑफ 8% ऑफ 8% हैज बीन टेकन टू बी 8% ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर्स आफ्टर क्या? एक्चुअल वर्किंग आवर्स आफ्टर आफ्टर मेंटेनेंस एंड सेटिंग, ठीक, राइट? अब तीसरा इसने यहां पावर बोला है।
आप देखेंगे जो मैंने 12वां क्वेश्चन कराया था, मेरी बुक का 12वां क्वेश्चन जरूर करिए इससे पहले, जो मैंने अभी 12वां कराया, आप उसमें देखेंगे हर चीज की क्लैरिटी थी कि पावर कब ली जाएगी, कब नहीं ली जाएगी। वो एक अच्छे सुलझे हुए एग्जामिनर द्वारा बनाया गया। ये एक सुलझा हुआ एग्जामिनर नहीं, सुलझा एग्जामिनर हर बात का खुलासा करेगा, उसने बना दिया अपना क्वेश्चन। तो पावर कब कब ली जाती है ये भी नहीं बताया उसने, कभी पावर लगते 5 यूनिट पर आ, 25 यूनिट पर आ और 1 यूनिट 5 रुपए का, पर कौन से घंटों में लगता है कौन से नहीं लगता ये नहीं बताया। तो अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा। मेंटेनेंस में तो मैं मानूंगा पावर नहीं लगती, अब सेटअप में मानना है पावर लगती है या नहीं लगती आपको फैसला करना है। सेटअप में लगती है, मेंटेनेंस में नहीं लगती ये मानू, क्योंकि क्लियर नहीं है ना, इसकी फॉल्ट है, हमारी फॉल्ट है बेटा, आप दुखी मत हो, ये हमारी फॉल्ट नहीं है। आप 12वां क्वेश्चन देखो, उसमें हर चीज क्लियर थी, पढ़ के देखो 12वां क्वेश्चन, उसमें बताया था 12वें में मैंने, 12वें का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ ना, उससे क्लियर हो जाएगा सवाल। पहले 12वां क्वेश्चन करना, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं पहले 12वां क्वेश्चन करना मेरी बुक का। 12वें मैंने साफ बताया था कि सेटअप क्या है, प्रोडक्टिव। 12वें मैंने साफ बताया था कि ना तो मेंटेनेंस में बिजली लगी है ना सेटअप में, यहां देखो वो बातें मिसिंग। तो फिर बिजली मैं किस में ले लूं, सेटअप में ले लूं, ठीक है ना, मतलब सिर्फ मेंटेनेंस में ले लूं। तो थर्ड एजम्पशन, पावर हैज बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग सेटअप बट नॉट ड्यूरिंग क्या, मेंटेनेंस। कैसा लगा, मजा आया? अब क्वेश्चन सिंपल, बस ये इसमें लफड़ा, ठीक है, बड़े अच्छा लगा, अग्री लो सही बताओ। नहीं आप बिना एजम्पशन लेके तो कर ही नहीं सकते, आप एजम्पशन तो लोगे ही ना, ये वाली नहीं लोगे तो कोई और लोगे। रिपीट, बिना एजम्पशन क्या होता, आपको लेनी तो पड़ेगी। आप ये कह सकते हो भाई मैं सोच रहा हूं पावर में बिजली ली है, पावर में बिजली नहीं ली है, वो सॉरी सेटअप में बिजली ली है या सेटअप में बिजली नहीं ली है, वो तो दोनों ही अजम्पशन है जो भी लो। हाँ ये कभी है, जब आप लिख दोगे ना अजम्पशन तो एग्जामिनर का दिल बाग बाग हो जाए, खुश हो जाए, वो समझ जाएगा कि बच्चा सुलझा हुआ है और इसने इन बातों को ध्यान में रख के किया है, मैं ये देख के चल रहा, अदरवाइज उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सी चीज कब क्या सोच रहे। यही तो एक बड़ा फर्क है, यही तो एक फर्क है। कैसा लगा, मजा आया? आइए अब करते हैं। अब सबसे पहले टोटल वर्किंग आवर्स कितने लिए आपने, 3000, यही है ना, माइनस क्या बोलो, मेंटेनेंस। देखो जरा थोड़ी देर लिखो नहीं ना, 400 इधर देखो, ये 2600 हो गया। अब इसमें इसको ले लो आर्स बिफोर सेटअप, ध्यान से देखो, अब आप सेटअप माइनस करोगे तो आर्स आफ्टर सेटअप। अभी आपको मुझे को याद है आपने मेरे से अजम्पशन ये लिखवाई है कि सेटअप को आवर्स आफ्टर सेटअप का 8% लेना है, ये लिखवाई थी ना आपने, तो आप इसको 100 मान लो तो ये 8 हो जाएगा, तो ये वाला 108 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब जो सेटअप होगा वो 26 का 8/108 होगा ना, जैसे वो नहीं निकालते थे मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, उस तरह का कॉन्सेप्ट बन गया ना अभी, समझे? तो देखो ये कितना आता है, 8%, 8 अगर 2600 का 8% निकालते हो तो फिर आप ले रहे हो सेटअप एज 8% ऑफ वर्किंग टाइम, वर्किंग आवर्स आफ्टर मेंटेनेंस बिफोर सेटअप, जबकि आपने मेरे से अजम्पशन क्या लिखवाई है याद करो, ये लिखवाई है ना आफ्टर मेंटेनेंस एंड सेटिंग अप, अभी आपने बोला नहीं आफ्टर लो दोनों, तो सेटिंग अप का अगर आफ्टर लेना है तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी साहब, आपने तो मुझे कहो तो चेंज कर दो अजम्पशन, इस प्रॉब्लम में थोड़ा डिफेक्ट है, डिफेक्ट क्या है कि उसने क्लियर नहीं हुआ। देखो कितना आता है इससे, कितना रहा है, इतना थोड़ी आ जाएगा, 192.5, देखना
2600 है, 2600 इंटू 8 बटा 108 एग्जैक्ट एग्जैक्ट 192.5 आ रहा है, 192.5 तो 193 ले लो, राउंड करना पड़ेगा ना, तो 193 ले लो, तो अब ये कितना हो जाएगा 2407। अब आप चेक भी कर सकते हो 2407 का 8% 193 होता है, देख लो 2407 का 8% 193 आ गया समझ में, पहली assumption कामयाब हो गई। अब सवाल में कुछ नहीं है, assumption की बात है। अब चलो देखो इसकी तरह कुंडा लगा बहुत शोर आ रहा है। अब आओ जी डेप्रिसिएशन। अच्छा डेप्रिसिएशन अब किस घंटे पे निकालना है, वो हम 3000 पे निकाल रहे हैं, ठीक है। फोर्थ डेप्रिसिएशन हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर मशीन वर्किंग फॉर आफ्टर मेंटेनेंस बट बिफोर सेटअप। तो डेप्रिसिएशन हम 2600 घंटे का निकाल रहे हैं, क्यों? सेटअप में तो हम मान रहे हैं मशीन घिसेगी क्योंकि काम हो रहा है, मेंटेनेंस में थोड़ी घिसती है, तो 2600 का निकाल रहे हैं। तो ये थोड़ी क्वेश्चन के अंदर बस कमी है, इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आप इग्नोर भी कर सकते हो चॉइस में। 400 मेंटेनेंस में थोड़ी डेप्रिसिएशन, ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें मेंटेनेंस पे हम डेप्रिसिएशन का मानते हैं जब गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, मेंटेनेंस में तो जैसे आप कार लेके जाते हो सर्विस हो रही है तो डेप्रिशिएट थोड़ी होती है, चला रहे होगे तभी तो डेप्रिसिएशन होगी ना बेटा मशीन, क्या हो बुरा लग रहा है क्या? अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप 3000 ले लेना, नोट देखे 3000 भी ले सकते। तो आइए डेप्रिसिएशन हम निकालें, कॉस्ट सैलवेज लाइफ हो गया ना 25000, तो ये क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन 25 लाख माइनस 1.25 लाख इंटू 1/25000, 25000 थी ना लाइफ, इंटू 24 24 सुनी 26 है, कितना 2,47,000। आगे मजा आ गया, बस यही दो चार assumptions थी तंग करने वाली। अब ये तो हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का काम, पावर 25 पर यूनिट, 25 यूनिट पर आवर 5 रुपए का यूनिट, और हमने पावर कब मानी है? देखो assumption क्या मनवाई थी पावर की, सेटअप में तो लगती है, रिपीट सेटअप में लगती है, तो पावर का खर्चा क्या आ जाएगा 2600 घंटे इंटू 25 और एक यूनिट 5 रुपये, थ्री लैख 25। क्लियर? अब आ जाओ रिपेयर, अभी सेटअप तो 2600 में एडिड ही है ना, देखो इधर देखो ना आपके सामने 2600 में सेटअप तो जुड़ा हुआ है, ये दिख रहा 2600 में तो सेटअप घटाया है, 2600 तो सेटअप बेटे ये मैंने assumption किससे पूछ के लिखी आपसे, मैंने कहा भाई assume कर लेते, अब जो आपने लिखवाया मैं उसके हिसाब से करा रहा हूँ,
अब अगर एडमिशन चेंज कर दी तो चेंज करे करा दो, वो तो फैसला आपको करना पड़ेगा ना कि एडमिशन आप क्या लेना चाहते हो। कभी आपको भाई साहब मैं ये लूँगा, कभी ये लूँगा, बार बार एडमिशन बदलोगे थोड़ी सवाल हो जाएगा, फिर तो टाइम क्या होगा वेस्ट। अल्टीमेटली एक आपको कॉल तो लेनी पड़ेगी ना कि मैं एडमिशन क्या लेना चाहता हूँ, बीच बीच में थोड़ी एडमिशन चेंज कर सकता, सारी कटिंग होती रहेगी। चले तो अभी इसी एजम्पशन के साथ चलो, आप एजम्पशन चेंज कर देना उसके हिसाब से ले लेना अगर आपको पसंद नहीं आए। वो तो एग्जामिनर की ड्यूटी है एजम्पशन बताना, नहीं बताएगा तो हमें एजम्पशन लेनी पड़ेगी। रिपेयर है 26,000, केमिकल जो लगता है पर मंथ 2600, 12 महीने लगेगा। छब्बीस सौ इंटू बारह बताओ, थर्टी वन थाउजेंड, ठीक है, 31,200। अब आओ ओवरहेड्स, 18,000 पर मंथ, इंश्योरेंस 2% ऑफ कॉस्ट, ओवरहेड 18,000 इंटू 12, इंश्योरेंस 25,00,000 का 2%, बताइए तुम बताओ, 2,16,000 50, कैसा रहा ये भी हो गया। बाकी क्वेश्चन आसान है, आप समझ गए होगे, सिर्फ उसका चक्कर था। नंबर ऑफ ऑपरेटर 2 है, लुकिंग आफ्टर 3 अदर मशीन्स आल्सो, यानी 2 ऑपरेटर कितनी मशीनें देखते हैं, 4, और एक ऑपरेटर की सैलरी क्या है, 18,500। तो ऑपरेटर इधर देखिए, 18,500 इंटू 2, दोनों ऑपरेटर की आ गई, इंटू 12 साल की सैलरी आ गई, डिवाइड बाय या इंटू 1/4 क्यों, क्योंकि वो 4 मशीनें दे, कितना आएगा, 1,11,000, कैसा लगा। अब टोटल फिक्स कॉस्ट बताओ क्या आ रहा है, स्टैंडिंग कॉस्ट 3,77,000, टोटल रनिंग कॉस्ट 10,06,200, ये तो टोटल कॉस्ट है, रनिंग भी बता दो टोटल 6,29,200। ये बच्ची कैलकुलेशन में बहुत फास्ट, गुड गुड। अब आप सारों को इससे डिवाइड करोगे, 2460 सब खर्चों में, तो आपका क्या आ जाएगा, पर आ गया, और ये ईयरली टोटल है। पहले टोटल स्टैंडिंग को डिवाइड कर दो 2460 से, 4 डेसिमल बताना, 6265। चलो अगला, 6170। अगला 135.02। अगला 10.8018। अगला 40, अगला 0.03, बताओ कैसा लगा। राइट जी, तो हमारा आंसर थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है किसी और के आंसर से बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एजम्पशन, और डिफरेंस इन एजम्पशन क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आप एक बारी 12वां क्वेश्चन फिर देखिएगा ना घर जाके, आप देखेंगे कि 12वें में सारी बातें बताई थी, मैं बताता जाता हूँ ना। 12वें में उसने बताया था कि 2200 घंटे हैं टोटल, उसमें 2000 मेंटेनेंस के, क्लियर था। यहाँ नहीं बताया कि 3000 के अंदर मेंटेनेंस 400 जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, क्लियर नहीं है, वहाँ क्लियर था। फिर उसने कहा था 100 घंटे सेटअप के,
वो भी क्लियर था। यहाँ बता दिया 8% ऑफ एक्चुअल वर्किंग टाइम, और वर्किंग टाइम कौन सा, आफ्टर वाला बिफोर वाला क्लियर नहीं, उसके अजम्पशन नहीं थी। फिर वहाँ उसने साफ बताया था कि मेंटेनेंस में बिजली जो सेटअप है वो प्रोडक्टिव है, रिपीट, और बिजली ना तो मेंटेनेंस में लगती है ना सेटअप में। यहाँ इसने ये भी नहीं बताया कि सेटअप प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है, ना इसने ये बताया कि बिजली कौन से घंटों में लगती है। तो बेटे कॉमन सेंस की बात है, आप एक अच्छे समझदार बच्चे हैं, आप सोच सकते हैं अगर कोई चीज एग्जामिनर नहीं बताएगा तो मैं जादूगर तो हूं नहीं उसके मन की बातें समझ लूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, एजम्पशन लेनी पड़ेगी। और इसका सबूत है, आप 12वां क्वेश्चन देखिए, उसमें सारी बातें डिस्कस की हुई। कैसा लगा थम्स अप? मशीन आवर रेट क्वेश्चन में कभी कभी यही प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है बेटे, एजम्पशन कि क्लियर नहीं करता इसे, कैसा लगा? अदरवाइज क्वेश्चन आपने देख लिया बिल्कुल 12वें को मैच करता ना, सिर्फ फर्क क्या कि 12वें में सब चीजें क्लियरली स्टेटेड थी, एग्नीलो आरिवासन, और इसमें वो साइलेंट है। अब होता कि ऐसे जब साइलेंट क्वेश्चन होते तो आम बच्चा नहीं कर पाता, क्योंकि आम बच्चा एजम्पशन नहीं देना चाहता, एजम्पशन दिए बगैर करना चाहता है, फिर उसको पता ही नहीं चलता करते वक्त मैं एजम्पशन ले भी रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, वो तो जैसे हवाओं के सारे करता रहता। हमने जो भी बात कन्फ्यूजिंग थी उसका क्या दे दिया, एजम्पशन। हमने साफ बता दिया भाई ये बातें क्वेश्चन में क्लियरली नहीं लिखा ना पहले, ड्यू टू लैक ऑफ क्लियर इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। कैसा लगा थम्स अप? लिख लीजिए।